अच्छा, मेरी उम्मीद है कि आपके ऊपर कोई केस बेस नहीं हुआ था। टीवी में देखा होगा आपने। अच्छा, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, ठीक है, कितनी पार्टीज हैं? दो पार्टीज हैं। और कोर्ट में क्या होता है, दोनों पार्टी वाले क्या बोलते हैं, हम सही है, सामने वाला गलत है। अगर जज को फैसला करना है कि दोनों में से कौन सही है, तो अभी क्या है ना कि दोनों बड़े पैसे वाले हैं, दोनों ने महंगा महंगा वकील कर लिया है, और दोनों दोनों का वकील बड़ा अच्छा है। एक का वकील है कपिल सिब्बल, आपने नाम सुना होगा। दूसरे का वकील और भी बढ़ चढ़ के कौन, राम जेठमलानी, ठीक है। तो दो तगड़े तगड़े वकील हैं। अब दोनों वकील बड़े अच्छे से लड़ाई को लड़ रहे हैं। दोनों वकील की प्रेजेंटेशन, उनका बोलने का तरीका, उनके तथ्य निकालना, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग, सब कुछ बड़ा एक नंबर का है। नहीं, दूसरी वकील है सैरा देवी, ठीक है। दूसरी वकील कौन है, सैरा देवी, ठीक है। अब दोनों वकील बड़े तगड़े हैं, दोनों वकील की भाषा बड़ी अच्छी है, नॉलेज बड़ा अच्छा है, दोनों वकीलों की तैयारी बड़ी अच्छी है। ऐसे में जज सुन के बोलेगा, दोनों वकील अच्छे हैं, एक काम करते हैं, केस दोनों के पक्ष में कर देते हैं, दोनों जीत गए। ऐसा कभी हो सकता है? कौन जीतेगा? या तो सैरा दीदी हारेगी या कपिल सिब्बल हारेगा। कहने का मतलब, दो पार्टियां कोर्ट में सही नहीं हो सकती, लेकिन किस आधार पर जज फैसला करेगा? क्या बुलंद आवाज के आधार पर फैसला करेगा? दोनों जज अच्छा बोल लेते हैं, दोनों की फाइल बड़ी अच्छी है, क्या उसके आधार पे जज फैसला करेगा? जज को जो अपना कोर्ट है, कचहरी है, कोर्ट है, अदालत क्या मांगती है? अदालत क्या मांगती है? सबूत मांगती है। अब ये सबूत बहुत जरूरी है। किसी चीज पर यदि हमें विश्वास करना है, अगर हमें किसी चीज को सही घोषित करना है, क्या चीज बहुत जरूरी है? सबूत बहुत जरूरी है। अब क्या है ना, हम मसीही विश्वास में जब से आए, जब से हमने अपने पुराने देवी देवताओं को छोड़ दिया, पुराने जीवन जीने का तरीका छोड़ दिया, पुराना सब कुछ हमने छोड़ दिया, बहुत कुछ हमने त्यागा, आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कभी कभी क्या होता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के एक साल, दो साल, तीन साल के बाद कभी कभी हमारे मन में सवाल उठता है, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया, सब कुछ मैंने पुराना जीवन त्याग दिया, पुराने सब चीजों को छोड़ दिया, आज मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, लेकिन क्या ये सही है? क्या सचमुच मसीह इस योग्य है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं मसीह यीशु का अनुसरण करने के लिए? क्या सचमुच मसीह यीशु सच्चा है? क्या सचमुच मसीह यीशु का वचन सच्चा है? क्या ये बाइबल जो सिखाती है, क्या ये सचमुच इस योग्य है कि मैं अपनी जान तक दे दूं इस बाइबल के लिए? क्या यीशु मसीह इस योग्य है कि मैं सारे संसार को भी छोड़ दूं? हम गीत तो गाते हैं, मैं सारा संसार छोड़ दूंगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये जीवन में, ये जिंदगी में एक विश्वासी का विश्वास परखा जाएगा, हमारा विश्वास टेस्ट किया जाएगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा पल आता है, हम सोचते हैं शायद मैंने व्यर्थ सब कुछ छोड़ा, व्यर्थ मैंने अपने माता पिता को भी गुस्सा किया, व्यर्थ मैंने अपने देवी देवताओं को भी छोड़ दिया, व्यर्थ मैंने बहुत सारी दोस्तियों को तोड़ दिया यीशु के पीछे चलने के लिए, सारे रिश्तेदारों का के गालियों को मैंने सुना, रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने प्रभु को पकड़ लिया इसलिए। लेकिन यार, क्या ये सब कुछ सच है? मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, 2007 में मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा। 2007 में मैंने भी यही गीत गाया था कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, कभी नहीं लौटूंगा। लेकिन 2009 में सितंबर का महीना आते, 3 महीने मेरे जिंदगी में आत्मिक अंधकार था और मैं सोचता था मैंने व्यर्थ मेरा पुराना जीवन त्याग दिया, मैंने व्यर्थ में अपने दोस्त छोड़ दिए, मैंने व्यर्थ में अपना पुराना जीवन शैली सब कुछ छोड़ दिया, ये कुछ भी सच्चा नहीं है, ये बाइबल का ये सब मिथ्या है, ये हमारे मन की सोच है, ये कोई सच नहीं है। सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ वर्थ है, इस चीज के योग्य है कि हम सारी दुनिया को एक तरफ कर दें और प्रभु के पीछे चलने लगे? हमारे मसीही विश्वास को लेकर के एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ हम विश्वास करते हैं वो इस वचन में लिखा है, और जो इस वचन में लिखा है वो सच्चा है। हालेलुया। जो मैं आपको पहली बात आज सिखाना चाहता हूं वो यही है, आपकी स्क्रीन पे आप
देख सकते हैं कि बाइबल का जो संदेश है वो सच्चा है। हालेलुया। द मैसेज ऑफ द बाइबल इज ट्रू। ये बाइबल का संदेश सच्चा है। हमें कैसे मालूम सच्चा है? पास्टर जॉय ने खड़े होकर बोल दिया सच्चा है तो सच्चा बन गया। हमें कैसे पता? बाइबल में जो कुछ लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सच्चा है। हमें कैसे पता? पहला यूहन्ना, जब यूहन्ना लिखता है, ये पत्री को लिखता है, वो बताता है ये सच्चा कैसे हो गया। हाउ कैन वी से द बाइबल इज ट्रू? हम कैसे कहें बाइबल सच्ची है? मेरी भाइयों बहनों, बाइबल का एकमात्र जो फोकल पॉइंट है वो प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल किसके बारे में बताती है? बाइबल आपके जीवन के दुख, आपके जीवन की आशीषों के बारे में बाइबल नहीं है। बाइबल ये संसार के बारे में बाइबल नहीं है। बाइबल किस चीज के बारे में है? बाइबल का समरी क्या है? बाइबल का संदेश क्या है? बाइबल किस तरफ इशारा करती है? ध्यान से सुन लीजिए, बाइबल का एकमात्र लक्ष्य है, बाइबल का एक गोल है, बाइबल का एक उद्देश्य है। बाइबल का उद्देश्य यह है, बाइबल पढ़ने वाला, बाइबल सुनने वाला यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला बन जाए। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। बाइबल पढ़ने पर बाइबल हमें यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और इस यीशु मसीह को यूहन्ना कहता है, लिखने वाला, इस यीशु मसीह को वो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कहता है कि मैंने उसको अपने हाथों से छुआ है। उसके वचनों को लिखने वाला कहता है मैंने मेरे कानों से सुना है। पहला पद पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। पहले पद में क्या लिखा हुआ है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। उस जीवन के वचन के विषय में यूहन्ना, अगर आप यूहन्ना की अंजील पढ़ेंगे, उसके पहले पद का, पहले अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, वहां पे भी वो इसी भाषा का प्रयोग करता है और कहता है आदि में वचन था। यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में शब्द कहता है, वचन कहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। जिसे हमने सुना, शुरू से उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। हाँ, वो कहता है ये जीवन का वचन के विषय में जिसे हमने क्या कहता है, हमने उसको सुना है। यूहन्ना क्या कहता है? हमने यीशु की बातों को सुना है। फिर और जिसे अपनी आंखों से देखा। क्या कहता है यूहन्ना? हमने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है। और वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। क्या कहता है यूहन्ना? हमने यीशु मसीह को ध्यान से देखा है और अपने हाथों के साथ छुआ है। हमें से कौन है जो यीशु को छूने की इच्छा रखता है? कौन है जो यीशु को छूने की इच्छा रखता है? हम यीशु मसीह को छूएंगे जब वो बादलों में वापस आएगा। हालेलुया। लेकिन फिलहाल के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु को देखा है, जिसने यीशु के शब्दों को सुना है, जो 3 साल तक यीशु के साथ चला फिरा, यीशु के साथ रहा, जिसने यीशु को छुआ है, वो कहता है उसके बारे में मैं तुम्हें लिखता हूं। हालेलुया। बाइबल का संदेश सच्चा क्यों है? क्योंकि बाइबल लिखने वालों ने प्रभु को देखा है। बाइबल लिखने वालों ने जो लिखा है परमेश्वर की आवाज सुन के लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होके लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा है, परमेश्वर की आवाज को सुन करके लिखा है। हालेलुया। आगे बढ़े। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते। ओके, सो भाइयों बहनों, पहली बात जो मैं आप सब लोगों को सिखाना चाहता हूँ यही है जो सामने लिखी है। सब लोग मिलकर बोले सामने क्या लिखा है? बाइबल का संदेश सच्चा है। मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर आप बहुत बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप 3 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसमें इतना सा भी शक करते हैं, पता नहीं ये जो लिखा है सच है कि नहीं है, ये तो इंसान का लिखा हुआ है, इसमें गलतियां हो सकती हैं। अगर आप बाइबल के ऊपर डाउट करते हैं, बाइबल के ऊपर शक करते हैं, तो आपका कितना भी बाइबल पढ़ना कभी भी आपकी आत्माओं को लाभ नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि हम अगर प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हमें अपने मन में पहले ये विश्वास करना है ये वचन प्रभु का है और जो कुछ इस वचन में लिखा है यदि आप उसे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सचमुच में इस वचन के ऊपर डाउट करते हैं,
अगर सबसे पहले आपको अपने वचन बाइबल के बारे में आपका विश्वास सही होना चाहिए, बाइबल में जो कुछ लिखा है सच्चा है। अगर आपने अपने मन में एक बात को बिठा लिया कि बाइबल बाइबल का वचन सत्य है, बाइबल का वचन सच्चा है, मेरे भाई बहनों, उसके बाद जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल की शक्ति आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगी। हालेलुया। बाइबल जो है ये बहुत कष्ट के साथ हमारे तक पहुंची है, लोगों को जला दिया गया बाइबल, क्योंकि उन लोगों ने बाइबल का अनुवाद किया। जिस बाइबल में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उस भाषा से अनुवाद किया, दूसरी दूसरी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया। और ये करना लोगों की हॉबी नहीं था, ये करना लोगों ने इस काम के लिए बहुत त्याग किया है, बहुत समर्पण किया है। लोगों को जला दिया गया है, लोगों को घरों से निकाल दिया गया, कलीसियाओं से निकाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, बहुत दुख उठाया है इन लोगों ने। लोगों की जिंदगियां बदल गई है इस बाइबल, केवल इस बाइबल के संदेश को पढ़ करके। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल का संदेश सच्चा है, बाइबल के ऊपर विश्वास करो। बाइबल की सच्चाई आपके लिए शून्य है, आपके लिए कुछ भी नहीं है बाइबल की सच्चाई, अगर उस बाइबल को आप पढ़ नहीं रहे हैं तो। ये खजाना है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ने में अब तक गंभीर नहीं हुए। 3-4 सालों से हम अपनी कलीसिया में इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आपको बाइबल पढ़नी है। बाइबल का वचन सच्चा है, पर वो सच्चाई आपके जीवन में तब काम करेगी जब आप उस सच्चाई पर विश्वास करोगे और उस सच्चाई को पढ़ना चाहोगे। वचन पढ़ना अगर आपके जीवन में होगा तो आप उसकी शक्ति को अपने जीवन में देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको पढ़ेंगे, वो कहता है जीवन के वचन के विषय में, यूहन्ना कहता है जीवन के वचन के विषय में, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसको हमने सुना है, जिसको हमने छुआ भी है, वो कहता है यह वचन हम तुम्हारे साथ बांटते हैं। हालेलुया। यानी कि दूसरी बात हम क्या सीखते हैं, बाइबल का वचन बांटने के लिए है। हालेलुया। पहली बात, बाइबल का वचन सच्चा है, बाइबल का वचन, बाइबल की सारी जो पूरी कहानी है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है, अर्थात बाइबल का वचन सच्चा है, बाइबल का वचन यीशु मसीह के बारे में है। बाइबल का वचन पढ़ने का मतलब इस ये है कि हम बाइबल पढ़ने के द्वारा यीशु मसीह को जान ले, यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास करने लग जाए, यीशु का अनुभव हम भी कर ले। और जब हमने बाइबल के सच्चे वचन को जान लिया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है, बाइबल के वचन को दूसरों को बांटना है। क्या कहता है, हम पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ना अगेन। इनफैक्ट सब लोग पढ़ सकते हैं, भैया भी पढ़ेंगे, आप भी सब पढ़ेंगे, सब पढ़े अपनी बाइबल देख के, यूहन्ना 1:1 पढ़े। उस जीवन के वचन के विषय में जो आगे से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। अब वो क्या कहता है, हम क्या करते हैं, उसकी गवाही देते हैं। सब मित्र देखें, बाइबल में जो लिखा हुआ है, पहली बात क्या है कि वो सब कुछ झूठ है। ऐसा है, बाइबल में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सत्य है, सच है। हालेलुया। दूसरी बात, बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किसके बारे में है, किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में। इसका मतलब बाइबल का अर्थ, बाइबल का लक्ष्य क्या है, बाइबल का उद्देश्य क्या है, कि बाइबल को पढ़ने वाला या बाइबल के वचनों को सुनने वाला यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाए। हालेलुया। और उसके बाद जब आपने यीशु को अनुभव कर लिया, देखिए यूहन्ना क्या बोलता है, मैंने यीशु को देख लिया, मैंने यीशु को छू लिया, मैंने यीशु को देख लिया, छू लिया, अपने हाथों से छुआ, देखा, तीन चीजें सुना, सुना। हाँ, यूहन्ना कहता है मैंने यीशु को सुन लिया, बोलो मैंने यीशु को सुन लिया, मैंने यीशु को देख लिया, मैंने यीशु को छू लिया। इसका मतलब उसने क्या कर लिया, यीशु को अनुभव कर लिया। क्या कर लिया,
जब यहोन्ना ने यीशु को अनुभव कर लिया, वो क्या कहता है, उसको अनुभव करने के बाद मैंने उसकी गवाही भी देना शुरू कर दिया। हालेलुया। हम इससे क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमें यीशु को अनुभव करना है, यीशु को विश्वास करना है, यीशु को अनुभव करना है, और उसके बाद जो सामने लिखा हुआ है, यीशु के बारे में दूसरों को बांटना भी है। बाइबल का संदेश कौन है? बाइबल का संदेश यीशु मसीह है, जो कि सच्चा है, जिसको हमने अनुभव करना है और दूसरों को बांटना भी है। कितने लोगों ने वो पिक्चर देखी है, थ्री इडियट्स? कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी होगी, मैंने भी देखी है। कितने लोगों ने देखी है? जोधपुर में, साल तो मुझे नहीं पता कौन से साल में रिलीज हुई थी, 2009 में थ्री इडियट्स पिक्चर रिलीज हुई थी, और मैं उस समय जोधपुर में था। जोधपुर में मेरी एक बुआ लगती है और उनकी बेटी की शादी थी, तो मैं अपनी बुआ की बेटी की शादी में जोधपुर गया हुआ था। हम सारे कजन्स और हम बड़े सारे लोग वहां पे थे, बहुत आनंद किया, बहुत एंजॉय किया, और वो बहुत बड़ी वेडिंग थी, बहुत हमने एंजॉय किया। शादी खत्म होने के बाद अभी कुछ दिन और हम वहां पे रहे। अब शादी में क्या होता है, बड़ा अच्छा माहौल होता है, सब एंजॉय करते हैं। तो हम 20-25 लोग परिवार के, कितने लोग, 20-25 लोग परिवार के, हमने बोला यार ये पिक्चर बड़ी अच्छी है, सुना बच्चों के बारे में, देखनी चाहिए थी, बच्चों के बारे में है ना, हाँ कौन है, ऐसा कुछ है, अब मुझे याद नहीं है। तो सुना ये अच्छी पिक्चर है, हमें थ्री इडियट्स पिक्चर देखने जाना चाहिए। हम 20-25 लोग परिवार के हम गए, और हम गए, बड़ा एंजॉय किया, मार्केट में शॉपिंग करी सब कुछ, और हमने जाके थ्री इडियट्स पिक्चर देखी। अब पिक्चर इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, और उसमें हंसे भी बहुत और रोए भी बहुत। अब पिक्चर इतनी पसंद आई मुझे कि मैं उस समय यहां पे अपने 4-5 दोस्तों के साथ गुड़गांव में रहता था। जैसे ही पिक्चर खत्म हुई, मैं बाहर आया, मैंने अपना फोन उठाया और मैंने अपने फोन में अच्छा खासा मैसेज लिखा, और मैंने बोला यू नो गाइस, तुमको ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, जरूर 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 देखनी चाहिए, तुम बहुत एंजॉय करोगे, तुम हंसोगे भी, तुम रोगे भी। और मैंने इतना बड़ा मैसेज लिखा कि तुम जा करके ये पिक्चर देख लो। ये मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, जो चीज हमारे दिल को छू जाती है, हम चाहते हैं वो चीज औरों को भी हम बता दें। एक थ्री इडियट्स पिक्चर के लिए मैं इतना पागल हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है के रूप में पहचान लेता है, जान लेता है, तो सुनो ध्यान से, जिसको हम प्यार करते हैं, हम जरूर चाहेंगे यीशु मसीह के प्यार के बारे में वो लोग भी जानने लगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यूहन्ना वही कर रहा है, क्या कहता है, उस जीवन का वचन। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है, जीवन का वचन। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का वचन नहीं है, मौत का वचन नहीं है, निराशा का वचन नहीं है, वो आपकी जिंदगी के लिए जीवन का वचन बन के आया है। वो कहता है उस जीवन के वचन के विषय में, जिसके बारे में हमने सुना, जिसके जिसको हमने देखा, जिसको हमने छुआ, जिसके साथ में 3 साल तक रहा, मैंने उसे जान लिया, मैंने उसे पहचान लिया, वो सच्चे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है इस मसीह के बारे में मैंने तुम्हें घोषणा की है। इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले बाइबल का वचन सच्चा है, बाइबल का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, बाइबल का वचन जो कि प्रभु यीशु मसीह है, इस प्रभु यीशु मसीह को हमने जानना है, अनुभव करना है, और अनुभव करने के बाद बाइबल के संदेश को हमें दूसरों को बांटना भी है, जैसा कि उसने किया है। और अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम बाइबल के संदेश को पहले खुद जान लेंगे, फिर दूसरों को भी बताएंगे, इसके 2 परिणाम निकलेंगे, 2 चीजें निकलेंगी। 3रा वचन और 4था वचन पढ़ दीजिए। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए जिसको अब सुनो, अब सब लोग इधर ही हैं, सब लोग सुन रहे हैं, क्या कहता है यूहन्ना, जिसका दोबारा पढ़े, जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हम उसका समाचार
तुमको भी देते हैं मेरे भाई बहनों, आप मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं, 99% लोग हैं जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं आप में से कितने लोग यीशु का सुसमाचार दूसरों को भी दे रहे हैं। यूहन्ना को प्रभु के बारे में पता चल गया, यूहन्ना दूसरों को बता रहा है। आपको प्रभु यीशु के बारे में पता चला, आप कितनों को बता रहे हैं, आप कितनों को बता चुके हैं? क्या आपके अंदर यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने की इच्छा भी है? क्या आपका मन करता है कि मैं यीशु के बारे में दूसरों को बताऊं? अगर वो एक मूवी देखकर, एक फिल्म देखकर मेरा मन इतना भराया कि मैं अपने दोस्तों को लेटर लिख रहा हूं, लिख के बता रहा हूं, मैसेज भेज रहा हूं, देखो देखो पिक्चर देखो, अच्छी पिक्चर है तुम भी देखो, तो यीशु मसीह जो पापों को क्षमा करने वाला है, जो अनंत जीवन देने वाला है, यीशु मसीह जिसने संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, यीशु मसीह जो हमारे दुखों को दूर करने की शक्ति रखता है, यीशु मसीह जो हमारे दुखों को देख करके स्वयं रोता है, यीशु मसीह जिसके अंदर जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, यीशु मसीह जो वापस आने वाला है, यीशु मसीह जो सारे लोगों का मर चुके और जो जिंदा है सबका जब वापस आएगा सबका न्याय करेगा, इस यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने के लिए हमारे अंदर जोश क्यों नहीं है? लेकिन जो सचमुच में अनुभव कर लेता है वो दूसरों को बताने की इच्छा रखता है। अब वो आगे पढ़ी क्या कहता है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। वो क्या कहता है, मैं तुमको इसलिए बताता हूं ताकि तुम भी हमारे साथ संगति कर सको। कहने का मतलब, सब लोग मेरी तरफ देखें, यीशु की यूहन्ना की मुलाकात किससे हो गई है? सब लोग मेरे को जवाब देंगे, यूहन्ना की मुलाकात यीशु ने किसको अनुभव किया बताइए? यीशु ने किसको जान, यूहन्ना ने किसको जान लिया? यीशु मसीह को। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। मतलब यूहन्ना की संगति किसके साथ है? यूहन्ना की संगति किसके साथ है? अब यूहन्ना क्या कह रहा था, दुनिया वालों को क्या बोल रहा है, मैं यीशु मसीह के बारे में जिसको मैं जान चुका हूं और जिसके साथ मेरी संगति है, मैं उस यीशु मसीह के बारे में तुम्हें भी बताता हूं ताकि तुम भी उसको जान लो और ताकि तुम भी हमारे साथ संगति रख सको। और हमारी संगति किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। हालेलुया मेरे भाइयों बहनों, जिसको आप प्रभु के बारे में बताते हो, अगर वो व्यक्ति आपके कहने पर यीशु पे विश्वास कर लेगा तो वो जिंदा खुदावंत के साथ उसका रिश्ता बन जाएगा। वो कहता कि ताकि तुम्हारी संगति हमारे साथ हो सके, हमारी संगति आगे कहता है, वो क्या कहता है, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया, जो हमारी संगति है ये हम लोगों की संगति नहीं है। हम लोगों के बीच में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। और वो कहता है मैं इस यीशु के बारे में तुमको बताता हूं ताकि तुम भी हमारी संगति में आ सको, क्योंकि हमारी संगति केवल मनुष्यों की संगति नहीं है, इन मनुष्यों की मंडली में इस यीशु नाम सत्संग में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। और उससे और क्या हो जाएगा, उन लोगों को उद्धार मिल जाएगा। और क्या होगा, चौथा वचन, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इंग्लिश के वचन में और बहुत सारी ट्रांसलेशन में लिखा है हमारा आनंद पूरा हो जाए, नॉट तुम्हारा आनंद। सामने देखिए तीसरी बात, बाइबल का संदेश बांटने से दूसरों को मुक्ति मिलेगी और हमें अत्यंत खुशी मिलेगी। मेरे भाइयों बहनों, मैं अपने जीवन में बहुत सारी बातों के लिए हम सब, सिर्फ मैं नहीं, हम सब ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हम लोगों ने अचीव किया है जिंदगी में। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अगर आज मैं आपके सामने कहूं, सच्चाई से कहूं, सारी चीजों जिन चीजों को मैंने हासिल किया है, कौन सी चीज का मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, इस एक बात का कि मेरी सेवा के द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जान चुके हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है ताकि उसके सुसमाचार को मैं प्रचार कर सकूं। और यही सौभाग्य आप सबका है। आपके जीवन की सबसे बड़ी जो सौभाग्य है, आपके जीवन की सबसे बड़ी जो खुशी है, वो आपकी नौकरी नहीं है,
डेफिनेटली नहीं है। इसीलिए कुछ समय के बाद आपको अपनी नौकरी चेंज करने का मन करता है, क्योंकि ये संसार की चीजें कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। मन की संतुष्टि देने वाला कौन है? मन का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए भाइयों बहनों, यही तीन चीजें आज हम यहां से सीखते हैं। पहली बात क्या है? बाइबल का संदेश, सब लोग बोले बाइबल का संदेश सच्चा है। दूसरा, बाइबल का संदेश बांटने के लिए है। और तीसरा, बाइबल का संदेश बांटने से दूसरों को मुक्ति मिलेगी और हमें अत्यंत खुशी मिलेगी। इसलिए हमें हमारी जो यूहन्ना यहां पे यही बातों को वो सिखा रहा है। हालेलुया। पहले मैंने सोचा था कि हम पहला यूहन्ना 1-3 तक देखेंगे, लेकिन ये 4 इतने भरे हुए हैं, इतना कुछ है इन 4 के अंदर। जो बात मुझे बहुत छुई वो ये है कि यूहन्ना को प्रभु का एक जेन्युइन अनुभव हुआ है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को सुना है, यीशु मसीह को उसने छुआ है, अर्थात उसने यीशु मसीह को एक्सपीरियंस किया है। क्या हम यीशु मसीह को चख चुके हैं? क्या हम यीशु मसीह का आनंद उठा चुके हैं? क्या हमने यीशु मसीह के प्यार को करीबी से जान लिया है? अगर हम यीशु मसीह का आनंद उठा चुके हैं, अगर हम यीशु मसीह के प्रेम को चख चुके हैं, तो जो यूहन्ना से हुआ वो हमारे द्वारा भी होना चाहिए। उसके द्वारा क्या हुआ? उसने कहा, इस यीशु जीवन का वचन जिसको मैंने अनुभव किया है, तुम्हारे सामने मैं उसकी गवाही देता हूं और तुम्हें उसका सुसमाचार बताता हूं। अगर आप लोग यीशु मसीह को चख चुके हैं, तो आप ये बहुत स्वाभाविक होगा कि आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताएंगे। और आप जब बताएंगे, आपके बताने से दूसरों का जीवन, दूसरों की आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो सकती है, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। हालेलुया। अब आपको क्या करना है? 3 बातें हैं जो आपको करना है। सबसे पहले आपको विश्वास करना है। आप सब अपने आप से पूछ लीजिए, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्या आपने बाइबल को, बाइबल के संदेश को, जिसका मुख्य संदेश यीशु मसीह है, क्या आपने इस यीशु मसीह को जान लिया है? क्या आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता, इस जीवन का, इस संसार का रचने वाला, जीवन का देने वाला, इवन जीवन का वापस लेने वाला, जीवन सब कुछ हमारे प्रभु यीशु के हाथों में है, सारी चीजों का मालिक प्रभु यीशु है, क्या आपने यीशु पर विश्वास कर लिया है? और दूसरी बात जो आप सबके लिए, मेरे लिए है, वो ये है, क्या आप दूसरों को बताने के लिए जा रहे हो? हम कलीसिया की उन्नति की बहुत प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनना, कलीसिया की उन्नति तब तक नहीं होगी, कलीसिया में ज्यादा लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक आप बताने के लिए नहीं जाएंगे। हम कहते हैं आओ 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 हमारे चर्च में, आओ हमारे चर्च में आओ, जबकि प्रभु हमको बोल रहा है तुम लोग जाओ, चर्च से बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाकर के दूसरों को प्रभु के बारे में बताओ। जब वो प्रभु को जान लेंगे बाहर, तुम्हारे प्रचार करने के द्वारा, सेवा करने के द्वारा, प्रेम करने के द्वारा, सुसमाचार बांटने के द्वारा, तब वो अपने आप तुम्हारे साथ चर्च में आ जाएंगे। इसलिए ये भी दूसरी बात है जो हम, आपको और मुझको अपने आप को चेक करना है, क्या हम जा रहे हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बांट रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं? इन 3 बातों पे आप अपना आकलन कर सकते हैं। 3 बातें हमने आज सीखी हैं। बाइबल का संदेश सच्चा है, मेरे पीछे साथ में आप पढ़ के बोल सकते हैं उसी बात, बाइबल का संदेश बांटने योग्य है। तीसरा, बाइबल का संदेश बांटने से दूसरों को मुक्ति मिलेगी और हमें अत्यंत खुशी या अत्यंत सेटिस्फैक्शन, तृप्ति, हमें अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर हम प्रभु का रास्ता किसी को दिखा सकते हैं। 3 चीजों में आपको अपने आप को आकलन करना है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप सुसमाचार के लिए जाने के लिए तैयार हैं? दूसरों को बताने के लिए तैयार हैं? क्या आप बता रहे हो प्रभु के बारे में? मेरे भाइयों बहनों, बहुत से दुखी लोगों को हम हर रोज मिलते हैं, बहुत से परेशान लोगों को जो बीमार हैं, टूटे हुए हैं, शंका में हैं, दुख में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, रोते हैं, परिवार में दुख है, पति पत्नी को मारता है, बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है,
पति की नौकरी को छूटे 6 साल हो गए, कुछ रास्ता नहीं खुल रहा है। दुख हमारे आसपास, बहुत दुख है, बहुत बीमारी है, बहुत सफरिंग है हमारे आसपास। ऐसे में कितने हजारों चांस आपने गवा दिए, आपने दुखी लोगों को प्रभु का रास्ता नहीं बताया। हाँ, यहां भेंट टालने के टाइम पे गाना हम गाते हैं, तू दुखियों का दिलासा है, हम गीत गाते हैं ना, तू भक्तों का सहारा है, तू दुखियों का दिलासा है। अरे भाई, दुखी यहां नहीं, दुखी बाहर बैठे हैं, और उन दुखी लोगों से आप रोज मिलते हो, इसलिए दुखी लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। प्रभु के दिल में बहुत दया है, प्रभु लोगों से प्यार करता है। ये कितनी सिंपल बात है, जो अगर हम जान जाए हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम चीजों से प्यार करते हैं, प्रभु लोगों से प्यार करता है। हम कब फलवंत हो जाएंगे, जब हम भी प्रभु की तरह चीजों से नहीं लेकिन लोगों से प्यार करेंगे। प्रभु बहुत दयावान है, लोगों को प्यार करने वाला प्रभु है। अगर आप उस प्रभु के बारे में बहुत से भटके हुओं को आप रास्ता बताएंगे, बहुतों की जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया। मेरी उम्मीद है कि आप आज के वचन से जो भी आपने सीखा, आप इसके ऊपर मनन करेंगे।